प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन अमरीका दौरे पर गए हुए हैं जिथे अमरीका के डेलावेयर दे होने वाली क्वाड मीटिंग हिस्सा लेंगे। सो पीएम मोदी और अमरीका के साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा के अमरीकी दौरे दौरान हुई मुलाकात की पुरानी कहानी बारे तुम्हें दसते हैं। जी हाँ, अमरीका दे विच भारतीय राजदूत और साबका विदेश सकत्र विनय कवात्रा ने 2014 विच पीएम मोदी के अमरीकी दौरे के संबंध में एक यादगार पल साझा किया है। उन्हें दसिया है कि भारतीय प्रधानमंत्री और उस समय के अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा विचाले केड़ी गलबात हुई थी। जो पीएम मोदी और तत्काली अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा विचाले रस्मी गलबात खत्म हुई तो बराक ओबामा लिमोसैन के बैठे हुए सन। उत्थे लगभग 2 किलोमीटर दूर मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल के लिए रवाना हो गए। मैं कार में अनुवादक के तौर पर मौजूद सन। इस 10 मिनट के दौरे दौरान साबका अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम मोदी को उन्होंने माता पिता और परिवार बारे पूछा। उन्हें दसिया इस दौरान ओबामा ने पीएम मोदी को पूछा कि तुहाड़ी माँ कित्थे रहती है, जिससे पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा शायद तुसीं मेरी गल ते यकीन नहीं करोगे पर यह सच है कि तुहाड़ी कार के अंदर जिन्नी थां असीं बैठे हाँ उसे आकार दे वे घर विच मेरी माँ रहती है। उसने दसिया ये सुन के एक सच्चाई सामने आई कि कितने ना कितने उस जवाब तो बाद बराक ओबामा ने पीएम मोदी की जिंदगी में अपना संघर्ष देखा। जी हाँ, उन्होंने दसिया कि जिहड़ी कार दे विच तुसी बैठे हो इन्ने एक दायरे के मकान के उन्होंने माँ रहती है, जिस तो बाद बराक ओबामा के वलों जज किया गया कि किन्नी संघर्ष भरी जिंदगी है जिहड़ी पीएम मोदी के वलों जी गई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव।